हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे गुड़ वाली खीर बनाने के लिए। काफी स्वादिष्ट और लाभकारी होता है, तो आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले दोस्तों, दूध को गर्म कर लेना है, हल्का गुनगुना, मीडियम फ्लेम पे, देख सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग डालेंगे चावल, जो कि बासमती महंगा वाला चावल खरीदिएगा। ये देखिए, दूध बिल्कुल गुनगुना हो चुका है, तो अब हम लोग इसमें चावल डालेंगे। खीर बनाने में दोस्तों बासमती राइस का ही उपयोग करें। ये देखिए, छोटा छोटा दाना रहता है इसका, इससे खीर बहुत सुंदर बनता है और टेस्टी भी। अब इसको अच्छे तरीके से दोस्तों चलाएंगे, ये देखिए, ताकि ये नीचे पकड़े ना। बिल्कुल आराम आराम से चलाना है, ये देखिए। 5 मिनट के लिए दोस्तों मीडियम फ्लेम करके छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों, दूध में उबाल आ चुका है, ये देखिए। अब हम लोग डालेंगे इसमें मीठा गुड़। ये रहा गुड़, ये देखिए, इस तरह से तोड़ के डाल देना है। ये कुछ ही क्षणों में हमारा खीर तैयार हो जाएगा। कलर देखिए, धीरे धीरे चॉकलेटी कलर का हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे कलर आने लगा गुड़ का, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल कलर आ चुका। इसको 10 मिनट तक पकने देंगे आराम से। मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से चलाएंगे हम लोग, ये देखिए। अब हम लोग इसमें गड़ी किशमिश डालेंगे। इसमें गड़ी और किशमिश डाल देंगे हम लोग, ये देखिए डाल दिया मैंने, और अच्छे से चलाएंगे। बिल्कुल ये बनकर तैयार है गुड़। इस तरह से दोस्तों पूरा फुल फ्लेम पर इसको अच्छे से पका देंगे। लास्ट में थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा लिया जाएगा, तो खीर बिल्कुल अच्छा बनेगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बनकर अब तैयार है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे। कैसा लगा आज का ये खीर का वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों इसको ठंडे होने के बाद ही आप सर्व करें।